हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। एक है एडवर्टाइजमेंट नंबर 443, जहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी के नोटिफिकेशन दिया गया है, जहाँ पर हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी, इसके लिए 8% आप लोग को होना होगा। तो उसके बाद फोटो कापी ऑपरेटर के लिए एक वैकेंसी, इसके लिए 8% आप लोग को होना होगा। उसके बाद रिकॉर्ड कीपर के लिए 10% आप लोग को होना होगा, जिसके लिए एक वैकेंसी यहाँ पर होना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए HSC पास आप लोग को होना होगा, जिसके लिए एक वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12% आप लोग को होना होगा, जिसके लिए दो वैकेंसी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर जो दो वैकेंसी, इसके लिए ग्रेजुएट पास आप लोग को होना होगा। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी, इसके लिए ग्रेजुएट पास होना होगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पर जो एक वैकेंसी, इसके लिए ग्रेजुएट पास होना होगा। MTs के लिए यहाँ पर जो एक वैकेंसी, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो है मेट्रिकुलेशन आप लोग को होना होगा। दोस्तों, इन सभी पोस्टों के लिए आप लोग को यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर बोला गया है। इसके लिए आप लोग को इस PDF को एक बार डाउनलोड करके देखना है, और अगर आप लोग अपना जो क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है, वो अगर आप लोग फिलअप करते हैं तो आप लोग इसको जो अप्लाई ज़रूर कीजिए। उसके बाद यंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर जो दो वैकेंसी, इसके लिए ग्रेजुएट पास आप लोग को होना होगा। इसके लिए भी यहाँ पर जो 5 ईयर का आप लोग को एक्सपीरियंस होना होगा। तो इन सभी पोस्टों के अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो आप लोग को बोला गया है कि दोस्तों, यहाँ पर माफ़ कीजिए, एक चीज़ आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जो एज यहाँ पर रखा गया है वो ही यहाँ पर यंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर 40 ईयर का आप लोग को यहाँ पर एज रखा गया है। और बाकी जो पोस्ट की बात करें तो उसमें आप लोगों के लिए कुछ अभी तक तो यहाँ पर जो नहीं बोला गया है कि इतना मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पर होना है। अच्छा, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, BSL का ऑफिशियल, उस पर जाना है। जाने के बाद 25 दिन 2024 के अंदर आप लोग उसको जो अप्लाई कर देना होगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और एग्ज़ाम का यहाँ पर जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है BSL की तरफ से, तो देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 433 जो यहाँ पर था, उसी का यहाँ पर जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया, जहाँ पर यहाँ पर जो BSL भवन थ्रो VC मोड में जहाँ पर आप लोगों का हुआ था, तो उसका यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैंडिडेट को यहाँ पर जो सिलेक्टेड किया गया है, जहाँ पर दो कैंडिडेट को यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर जो रखा गया, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, रिजर्व में दो कैंडिडेट को रखा गया और एक कैंडिडेट को यहाँ पर जो सिलेक्टेड कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय।